श्री अंतरिक्ष पार्षनाथ दादा के प्रभाव से सफल यात्रा प्रवास। मध्य भारत के सबसे प्राचीन अत्यंत प्रभाव संपन्न देवाधिस्थित आकाश में अद्धर जन जन के श्रद्धा के स्थान ऐसे श्री अंतरिक्ष पार्षनाथ परमात्मा से हम काफी जुड़ चुके हैं। श्री अंतरिक्ष पार्षनाथ परमात्मा का प्रभाव दिन प्रतिदिन काफी लोगों को महसूस हो रहा है। परमात्मा को सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाले भक्त निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक आदि कोई भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही श्री अंतरिक्ष पार्षनाथ परमात्मा की एक सत्य घटना जो पुणे के युवा ग्रुप ने परम पूज्य विमलन स्विजय जी महाराज साहब को खुद बताई थी, आइए आज हम वह घटना जानने का प्रयास करते हैं। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। महाराष्ट्र के पुणे शहर में गुरुवार पेट नामक एक इलाका है और यहाँ पर अलग अलग ट्रस्ट द्वारा संचालित 7 भव्य जिनालय है। यहाँ से जैन यात्रा प्रवास ग्रुप के युवा कार्यकर्ता भारत के अलग अलग भव्य तीर्थों की यात्रा का आयोजन करते हैं। 7 साल पहले पुणे से अंतरिक्ष जी तीर्थ की यात्रा करने का निर्णय लिया गया। लगभग 300 यात्रिकों को यात्रा करवाने के लिए आयोजकों ने ट्रैवल्स आदि की बुकिंग करवाई और जरूरी पैसे डिपॉजिट करवाए। यात्रा प्रवास में लोगों को जोड़ने के लिए पूरा आयोजन आयोजकों ने सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित किया। यात्रा प्रवास को 1 हफ्ता बाकी था लेकिन सिर्फ 15% यात्रियों के नाम थे और उतने ही पैसे जमा हुए थे। आयोजकों को चिंता होने लगी, टेंशन होने लगी कि यात्रा के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है और लोगों की बुकिंग बहुत कम हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यात्रा शायद रद्द करनी पड़ेगी और अगर आयोजन कैंसिल हुआ तब तो काफी नुकसान हो जाएगा क्योंकि ट्रैवल्स वाले पैसे वापस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हिम्मत न हारते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने सोचा कि एक बार हम सभी मिलकर अंतरिक्ष जी तीर्थ जाकर वहां के रास्ते में जो भी आवश्यक व्यवस्था है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, बाद में आगे क्या करना है वो बाद में विचार करेंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह युवा ग्रुप की टीम ने टैक्सी से पुणे औरंगाबाद जालना होते हुए अंतरिक्ष जी जाने के लिए प्रयाण किया। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी बहुमूल्य चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही युवा ग्रुप के कार्यकर्ताओं की भी परीक्षा हुई। जैसे ही वो लोग पुणे शहर के बाहर औरंगाबाद के रास्ते पर आए वैसे ही भयानक तूफान, बिजली और साथ साथ में भयंकर बारिश शुरू हो गई। माहौल कुछ ऐसा हो गया कि टैक्सी ड्राइवर को भी गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ होने लगी। लेकिन काफी परेशानियों का सामना करते हुए भी वे सभी औरंगाबाद पहुंचे। वहां पर जाहुरीवाड़ा में स्थित प्राचीनतम गोड़ी पार्श्वनाथ भगवान के सानिध्य में पहुंचे और उन्हें यहीं पर यात्रा के दौरान यात्रिकों के लिए व्यवस्था भी करवानी थी। उन्होंने धर्मशाला के मैनेजर से संपर्क किया लेकिन यात्रा के दिन धर्मशाला की बुकिंग फुल होने से मैनेजर ने उन्हें मना कर दिया। सभी को इस चीज का बहुत बुरा लगा, निराशा हुई और वो लोग वहां से जालना की तरफ आगे बढ़े। जालना के रास्ते में भी बारिश की वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई। वे जालना में भोजन की व्यवस्था के लिए गणेश भवन में पहुंचे लेकिन वहां पर भी मैनेजर ने एडवांस बुकिंग होने के कारण सुविधा देने से मना कर दिया। पहले ही सभी कार्यकर्ता तूफान, बिजली और बारिश से परेशान थे लेकिन बुकिंग न मिलने के कारण वे सभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वे लोग निराश हो गए और उन्होंने यात्रा पूर्ण किए बिना ही वापस पुणे जाने का निर्णय कर लिया। और इतना ही नहीं, निराशा के कारण यात्रा प्रवास भी कैंसिल करने का निश्चय कर लिया। लेकिन तभी उस ग्रुप के एक सदस्य ने सभी से कहा कि हम अंतरिक्ष जी तीर्थ से मात्र 140 किलोमीटर दूर है, यात्रा प्रवास कैंसिल करना है या नहीं करना है वो आपका विषय है, लेकिन कम से कम एक बार हम अंतरिक्ष जी तीर्थ की यात्रा तो कर ही लेते हैं, आगे आप सभी को जैसा उचित लगे। उस एक सदस्य की बात सुनकर सभी को अंतरिक्ष जी जाने का भाव हो गया। सभी कार्यकर्ता टैक्सी में बैठ गए और अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ परमात्मा की जय बोलकर यात्रा शुरू की। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम लेने से कैसा अद्भुत चमत्कार होता है। जिस बारिश ने उन लोगों को सुबह से अभी तक की यात्रा के लिए हैरान कर दिया था वो एकदम से बंद हो गई। आसमान एकदम साफ हो गया। वे सभी लोग सकुशल अंतरिक्ष जी तीर्थ पहुंच गए। सभी ने श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन किए और परमात्मा से विनंती की कि हे प्रभु, हमारी तीर्थ यात्रा प्रवास की बहुत भावना है लेकिन इसको सफल करने में जो समस्या आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से खत्म हो सकती है। अब सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु। दर्शन करने के बाद सभी कार्यकर्ता श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महाराज संस्थान के ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने वहां के मैनेजर को यात्रा प्रवास की तारीख बताई और धर्मशाला की बुकिंग, भोजनशाला आदि की व्यवस्था की बात की। मैनेजर ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें कहा कि हम यहां आपकी सभी सुविधा अच्छे से कर देंगे, आप सिर्फ आपका यात्रा प्रवास आयोजन पक्का रखो और बिल्कुल भी चिंता मत करो, श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रभाव से यात्रा प्रवास निर्विघ्न संपन्न हो ही जाएगा। मैनेजर के आश्वासन से प्रोत्साहित होकर सभी वापस टैक्सी से पुणे जाने लगे।
जैसे ही वे अंतरिक्षी तीर्थ छोड़कर थोड़ा आगे निकले, वैसे ही उन्हें जालना के गणेश भवन, जहां से उन्हें बुकिंग के लिए मना कर दिया गया था, वहां से फोन आया और वहां के मैनेजर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम आपको यात्रा प्रवास के लिए सभी सुविधा करके देंगे, आपकी बुकिंग पक्की हो गई है। यह सुनकर सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हुए और पुणे की तरफ आगे बढ़े। और एक बार फिर फोन आया, इस बार औरंगाबाद के गुड़ीजी पार्श्वनाथ संस्थान की ओर से फोन आया था। उन्होंने कहा, हमारे पास आपके यात्रा प्रवास के दिन की जो बुकिंग थी वो थोड़ी देर पहले ही कैंसिल हो गई है, इसलिए हम आपके भोजनशाला आदि की व्यवस्था कर देंगे। सभी कार्यकर्ता तो खुशी से झूम उठे। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा को सच्चे दिल से प्रार्थना करने से असंभव कार्य भी संभव हो गया। कैसा अद्भुत प्रभाव है परमात्मा का। कार्यकर्ताओं ने सभी जरूरी बुकिंग्स करवा ली और वे रात को पुणे वापस पहुंचे। लेकिन अभी तो असली चमत्कार होना बाकी था। अगले दिन सुबह से यात्रा प्रवास में जुड़ने के लिए कई लोगों के फोन कॉल्स आने चालू हो गए और उसी दिन शाम को 4 बजे तक 300 यात्रियों की बुकिंग फुल हो गई। फिर भी रात के 10 बजे तक यात्रा प्रवास में जुड़ने के लिए लोगों के फोन कॉल्स आते रहे और कार्यकर्ताओं ने क्षमापना के साथ उन लोगों को बुकिंग फुल हो जाने के कारण मना किया। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रभाव से ही यह तीर्थ यात्रा प्रवास सफल हो पाया है, ऐसी अभिव्यक्ति सभी कार्यकर्ताओं ने यात्रिकों से और तीर्थ के मैनेजर्स के सामने पेश की। ऐसे अत्यंत प्रभाव संपन्न, कलिकाल में चिंतामणि रत्न समान श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा को सच्चे दिल से शुभ भाव पूर्वक जो भी प्रभु भक्त प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनकी प्रार्थना तत्काल सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। ऐसे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के सानिध्य में निर्माणाधीन तीर्थ संकुल में श्री चतुर्मुख जिनालय की भव्य अंजनशिला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सभी को मंगल आमंत्रण। 26 जनवरी 2023 को महामहोत्सव प्रारंभ होगा और 5 फरवरी 2023 के शुभ दिन अद्भुत मंगलकारी भव्य प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा महोत्सव में निस्वार्थता से सेवा करने वाले युवा संगठनों का स्वागत है। चतुर्मुख जिनालय की विशेषताएं आदि सारी डिटेल्स पत्रिका में दी गई है। इस QR कोड को स्कैन कर पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।